आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। दिल्ली में कोरोना को लेकर एम्स की तैयारी, रूटीन भर्ती पर रोक और गैर जरूरी सर्जरी भी बंद। भारत सरकार का फैसला, सभी इंटरनेशनल यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटाइन अनिवार्य। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक, पंजाब के पुलिस प्रमुख समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों को किया गया तलब। चेन्नई में कपड़ों के स्टोर सरवान में 30 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, अधिकारियों को निर्देश पर स्टोर बंद। सीएम शिवराज के बाद पीएम मोदी की सलामती के लिए नकवी ने मांगी दुआएं, सीएम योगी ने भी की पूजा अर्चना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। प्रदेश में चुनाव से पहले आयकर विभाग की छापेमारी जारी है, जहां आगरा में जूता कारोबारियों के यहां लगातार 4th दिन भी आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी जारी की। शूज एक्सपोर्टर्स विजय आहुजामन, सानी चंद्रा, मनु अलग, राजेश सैगल और रूबी सैगल के यहां छापा चल रहा है। आयकर विभाग की टीमों ने चारों जूता कारोबारियों के घर पर लॉकरों की छानबीन की, जिसमें बड़ी मात्रा में जमीन खरीद से जुड़े संपत्तियों के दस्तावेज मिले और शहर के चारों कोनों पर उन्होंने संपत्तियों की खरीद फरोख्त की है। वहीं आयकर टीम यह जानने का प्रयास कर रही है कि निवेश की इस रकम का असल में स्रोत क्या है। एक ही पते पर कई कंपनियों के मामले की जानकारी सेंट्रल जीएसटी के अधिकारियों को भी दी गई है। बलिया के कलेक्ट्रेट में शिक्षक भर्ती को लेकर छात्रों ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा। छात्रों ने जमीन पर बैठकर सरकार को शिक्षक की सीटों में बढ़ोतरी के लिए प्रदर्शन किया और हंगामा करने वाले छात्रों को कहा कि 3 साल से हम तैयार कर रहे हैं, न भर्ती निकल रही है, न हमको रोजगार मिल रहा है। अब चुनाव आ गया है तो 17,000 भर्ती हो रही है और हम सरकार से 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के सुप्रीम कोर्ट में पद रिक्त होने की हलफनामा भी लगाया था। 68,500 प्राथमिक शिक्षक भर्ती, 22,000 शेष रह गए हैं। हर साल 10 से 15,000 शिक्षक रिटायर होते हैं, इसलिए हम 97,000 शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने की मांग कर रहे हैं। मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ और 3 सालों से मैं भर्ती का इंतजार कर रही हूँ और शिक्षक भर्ती आ नहीं रही है और योगी सरकार से मैं तंग आ चुकी हूँ, इतनी तंग आ चुकी हूँ कि अब इससे कुछ ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। हम लोग औरतें हैं, घर परिवार संभाल करके इतनी दिन से पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करने के साथ बेरोजगारी हाथ लग रही है। हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए और 97,000 भर्ती की हम मांग रख रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी सरकार मांग पूरी करे। हमारी मांगे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो इन्होंने बस अपना हलफनामा दिया था 51,000 वैकेंसी की प्लस 17,000 वैकेंसी जो इस समय ये लोग कह रहे हैं और 3-4 सालों में कई लोग रिटायरमेंट हुए हैं उनको जोड़ने के बाद से यूनेस्को ने ये अनुमान लगाया है कि लगभग 1,00,000 पद उत्तर प्रदेश में रिक्त हैं। तो हम 97,000 की मांग कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की, यूनेस्को का रिपोर्ट है जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अखिलेश, अब कौन सी विज्ञप्ति जारी की गई है, किस तरीके का विज्ञापन अब सामने लाया गया है? जैसे छात्र ने बताया कि यहाँ 17,000 की विज्ञप्ति जारी हो रही है, उसी में 17,000 की छात्र मांग कर रहे हैं क्योंकि 3 साल से उनकी तैयारी चल रही है और कह रहे हैं कि 17,000 कहीं नहीं होगा, 97,000 क्योंकि हर साल 10 से 15,000 शिक्षक रिटायर होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो भर्ती विज्ञप्ति निकली है ये कम है छात्रों को देखने। हाँ बताइए। तो अब संबंधित अधिकारी ने इस पे जब विज्ञापन दिया गया है तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा? अखिलेश, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बताइए जी। अभी जिस तरीके से विज्ञापन अभी दिया गया है तो उसके बाद जो संबंधित अधिकारी है उन्होंने उनको क्या कहा? अभी संबंधित अधिकारी से ये उत्तर प्रदेश सरकार को
ये दिया गया लेसर की जो हमारी जो भी ये 17,000 की विज्ञप्ति है इसे बढ़ाया जाए और 97,000 की विज्ञप्ति जारी किया जाए। ये उप जिला अधिकारी सर्वेश यादव के तरफ से शासन को छात्रों ने ज्ञापन भेजा है। जी अखिलेश, जिस तरीके से अभी प्रदर्शन जारी है वहाँ पे अभी भी प्रदर्शन लगातार अभी चल रहा है? नहीं, जिस तरह के छात्र कुछ दिन जमीन पे बैठ के और इसको प्रदर्शन किया उसके बाद उन्होंने तुरंत उप जिला अधिकारी सरोज यादव के तरफ से अपना ज्ञापन माध्यम उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। खबर औरैया से है जहां अछलना बाजार में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर पंजाब सरकार ने नाराज होकर भाजपा मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंजाब के सीएम चन्नी का पुतला फूंका। इस प्रदर्शन के दौरान मंडल अध्यक्ष ने कहा कि पंजाब में अप्रिय घटना घटित हुई है जिसकी पूरा देश निंदा कर रहा है और पंजाब में अब राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। मैं मंडल अध्यक्ष जितेंद्र सिंह सेंगर, भारतीय जनता पार्टी छल्ला औरैया, निश्चित रूप से भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जो पंजाब में अप्रिय घटना घटित हुई है जिसकी पूरा देश घोर निंदा करता है। निश्चित रूप से आज नहर बाजार वासियों ने पंजाब के सीएम चरण सिंह चन्नी का पुतला फूंका। वास्तव में आम जनमानस बहुत ही आक्रोशित है और निश्चित रूप से इसमें नहर बाजार वासियों को हमारा भी पूर्ण समर्थन है। इस तरीके का कृत्य जो पंजाब के मुख्यमंत्री ने किया है ये घोर निंदनीय है, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। अलीगढ़ के खैर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में व्यक्ति ने 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया। घटना के समय बच्ची की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया। बाद में मासूम पीड़िता की मां ने पुलिस को तहरीर दी और शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने बच्ची की चिकित्सीय परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना क्षेत्र खैर के अंतर्गत मानपुर खुर्द से सूचना प्राप्त हुई हमें कि एक नाबालिग बच्ची के साथ जो है छेड़खानी इत्यादि की गई है, तो सूचना दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। बांदा से है जहां कड़ाके की ठंड के बावजूद 97,000 शिक्षक भर्ती मांग कर रहे हैं और अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने मांग उठाई कि सरकार जल्द से जल्द 97,000 भर्ती निकाले, अगर भर्ती नहीं निकाली गई तो छात्रों ने चुनावों के बहिष्कार को भी चेतावनी दी है। वहीं प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया करीब 21 लाख छात्र छात्राएं टेट सी टेट पास है जो बेरोजगार है। ये 97,000 भर्ती को लेकर के हमारे ये पूरा जो समुदाय है ये एकत्रित हुआ है। मैं माननीय योगी जी का बहुत सम्मान करती हूँ क्योंकि वो इस सीएम के पद पे हैं, लेकिन आप ये बताइए अनवरत 5 साल से लोग लगे हुए हैं और मतलब कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसका कोई उद्देश्य है? अगर लोग डिग्री डिप्लोमा करते हैं तो उसका कोई उद्देश्य है कि नहीं, आप ये बताइए? कोई भी डिग्री डिप्लोमा कोई करता है तो कोई उद्देश्य है कि नहीं है? टीचिंग के लोग लेकर हम कर रहे हैं तो ये बताइए हम किस अदर क्षेत्र में जाएं, बताइए? नहीं, कुछ लोग कहते हैं ना कि ये लोग बिजनेस भी कर सकते हैं, इनके पास तो अदर टैलेंट होना चाहिए ना, कुछ और भी कर सकते हैं। हम क्या करें अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ हम टीचिंग के क्षेत्र में ही जाएंगे ना, बताइए आप? बुलंदशहर सियाना हिंसा का आरोपी योगी राज ने बुलंदशहर सदर न्यायालय में सरेंडर कर दिया है। भाजपा नेता और जिला पंचायत सदस्य योगेश राज ने इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने योगेश राज की जमानत खारिज कर 7 दिन के भीतर कोर्ट में सरेंडर कर आदेश दे दिया था, जिसके बाद आज कोर्ट में खुद को सरेंडर किया। आपको बता दें कि 3 दिसंबर 2018 को हुई सियाना हिंसा की मुख्य आरोपी हैं योगेश राज, जिसने सियाना हिंसा में इंस्पेक्टर सुवेद कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अभी मुझे 3 जनवरी 2022 को एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक आदेश प्राप्त हुआ है, जिसका आदेश का पालन करते हुए मैं अपने जनपद न्यायालय में सरेंडर करने आया हूँ।
भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार ने आम जनता के सरकारों से जुड़े तमाम मुद्दों को सुलझाते हुए सुशासन की स्थापना की है। भाजपा सरकार के विकास की गाड़ी जिस रफ्तार से दौड़ रही है उसे लगता है कि विकास के मामले में प्रदेश जल्द ही देश का सबसे विकसित राज्य हो जाएगा। सदर विधायक डॉक्टर सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी ने जनसंवाद यात्रा के दौरान जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि भ्रष्टाचार और अपराध पर भाजपा सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति आज से अपराधी जेल में है। भ्रष्टाचार में काफी हद तक कमी आई है। बस हमारे सरकार की जो 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां रही है, तो मेरे 1 साल खबर देवरिया से है, जहां बनकटा थाना क्षेत्र में एक युवक पर कुछ दबंगों ने हमला किया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने अब तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे परेशान होकर पीड़ित ने अब अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तारीख को करीब 6:30 बजे प्रमोद कुमार पटेल जी को लेके मैं अपने घर, अब मेरी बेटी का जन्मदिन था, उसी करीबन एक ट्रक जंजीहरा प्राथमिक विद्यालय के करीब सामने एक ट्रक सामने दिखाई दिया। हमने उसकी सूचना थाना अध्यक्ष महोदय बनकटा को दिया। उसी के करीबन 10 मिनट बाद शराब माफियों ने मेरे ऊपर अरुण कुमार यादव उर्फ पप्पू यादव और प्रमोद कुमार पटेल जी को स्कॉर्पियो से आके सीधे हमला बोल दिए, अथा असलहरा के कनपट्टी पे सटा दिए और हम लोग दहशत में हो गए। उसके बाद शराब माफिया बोला कि अगर दोबारा फोन करोगे तो तुम्हारी हत्या कर देंगे। सीओ महोदय को हमने सूचना दिया, सीओ महोदय जी ने बोला कि मैं मीटिंग में हूँ, मैं 10 मिनट बाद बात करता हूँ। अतः श्रीमान जी से नम्र निवेदन है कि स्थानीय पुलिस जान रही है कि शराब माफिया कौन है, उसके बावजूद भी माननीय श्रीमान जी पप्पू यादव उर्फ अरुण कुमार प्रमोद कुमार सिंह जी को फंसाने में जुटी हुई है। खबर कन्नौज से है, जहां अतरौली गांव के पास गड्ढे में 5 दिनों से लापता युवक का शव बरामद हुआ, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक के पड़ोसियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल है। आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बताया कि अवैध संबंध के शक में युवक की हत्या की गई थी। देखिए, अभी दिरवा का शिवम नाम का व्यक्ति रहने वाला था, लगभग 25 साल का था। इसकी परसों से गायब था, तो परिजन के तारीख पर मुकदमा जो हम लिखा गया था उसकी जांच उठ की गई। जांच में उन्होंने एक निम्नलिखित कराया था, महिला से बातचीत की गई, पूछताछ किया गया। पूछताछ में महिला ने पूरी घटना का स्वीकारोक्ति करते हुए बताया कि उसका शिवम से प्रेम प्रसंग था, वो काफ़ी शिवम जो उसको परेशान करता था, उसे छू धोकर के महिला ने प्लान करके परसों उसी दिन जिस दिन घटना हुआ था गायब है, उसी दिन उसको बुलाया सौरिख में और अपने एक महिला दोस्त और है और एक पुरुष दोस्त के साथ में उसकी अपने चुन्नी के साथ में टेबल पर गला घोट दिया और इसने बाद में जाकर के बॉडी को इसमें ज़मीन में गाड़ दिया था। कल हम इसे पूछताछ किए, पूछताछ करने के बाद से इसकी जो सपना है, सपना नाम की जो लेडीज है, इन्होंने घटना को स्वीकार कर लिया। उनके निशादेही पर डेड बॉडी हमने बरामद कर लिया है। बॉडी को पंचायत नाम पोस्टमार्टम करके चन्नौगढ़ पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कानपुर से है, जहां आयकर विभाग और जीएसटी की छापेमारी लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज दिल्ली के आई इनकम टैक्स की टीम ने मटर, दाल और प्लास्टिक के कारोबारी गौरव जायसवाल और कलेक्ट्रेटगंज के आवास और ऑफिस पर छापेमारी की, जबकि मिली जानकारी के मुताबिक कारोबारी गौरव जायसवाल बोगस कंपनियां बनाकर अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी का काम करता था, जिसकी सूचना पर ये छापेमारी की गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रिजवान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो रिजवान, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, आखिर क्या है ये पूरा मामला? सबसे पहले श्वेता जी, मैं बता दूं, मामला थाना कलेक्टरगंज के अंतर्गत का है, जहां पर
छापेमारी की जा रही है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर जीएसटी की छापेमारी करी गई थी, वही जीएसटी इनकम टैक्स दोनों मिलकर छापेमारी लगातार जारी। आज इनके पकड़े गए, वही लोगों के कहना है कि ये पकड़े गए जो है वो जीएसटी और ये बहुत बड़े लाइजनर थे जिनका बताया जा रहा है, इसलिए इनके साथ छापेमारी जारी। वही इनके भाई बताने से बात कतरा रहे हैं कि टीम कहाँ ले गई है और कौन सी टीम आकर ले गई है। रिजवान, जिस तरीके से छापेमारी की जा रही है तो वैसे ही अभी जो छापेमारी की गई है उस दौरान क्या कुछ हासिल हुआ है? अभी इस दौरान छापेमारी में, इससे पहले छापेमारी पीयूष जैन वाली छापेमारी वो अलग थी, उसमें करोड़ों रुपए बरामद हुए। ये छापेमारी में अभी कोई खुलासा नहीं हो पाया है, अभी कोई भी ना परिवारजन बोलने के तैयार है कुछ, और ना ही जो टीम ले गई उन्होंने साफ बताने से इनकार कर दिया। तो अभी जिन पारिवारिक जनों को ले जाया गया है क्या उनसे अभी भी पूछताछ जारी है? जी, जयसवाल जी को अपने साथ टीम जीएसटी और आयकर टीम मिला, जीएसटी और इनकम टैक्स मिला ले गई है, जिसमें पूछताछ तो उन्होंने कुछ बताने से कतराते हुए नजर आए। रिजवान, किस शक के बिना पर इनके यहाँ पर छापेमारी की गई है? इनकम टैक्स और आयकर की टीम ने, इनकम टैक्स और जीएसटी वाली टीम ने की थी छापेमारी, किसी पॉलीथीन के बड़े कारोबारी बताए जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। खबर मथुरा से है, जहां पिछले दो सालों से देश और दुनिया में कोविड लगातार अपने पैर पसार रहा है। तीसरी लहर के साथ देश में लगातार ओमिक्रॉन के केस बढ़ते जा रहे हैं, जहां कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच मथुरा में भी कोरोना की बढ़ती संख्या को देखकर मथुरा प्रशासन चिंतित है। दिसंबर जनवरी में बढ़ते कोरोना के मरीज की देखते हुए मथुरा प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग मथुरा ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि मथुरा में इस समय 176 मरीज कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, जबकि इनकी बढ़ोतरी में दिन पर दिन इजाफा हो रहा है। लेकिन ओमिक्रॉन का कोई भी मरीज अभी तक नहीं मिला, जहां मथुरा प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की सलाह दी है। ये जनपद मथुरा में पिछले 24 घंटों में जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके आधार पर 39 नए पॉजिटिव केस प्राप्त हुए हैं। पिछले दिन 4 करीब पेशेंट पुराने जो कोरोना के थे वो ठीक भी हुए हैं, और जितने भी पेशेंट जो आ रहे हैं उनको होम आइसोलेशन में रहने के निर्देश दिए गए हैं, और आरआरटी टीम के माध्यम से उनको मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के द्वारा मेडिकल किट उपलब्ध कराई गई है, वहाँ पर सैनिटाइजेशन भी किया गया है। 39 जो केस मिले हैं पिछले 24 घंटों में, और कुछ लोग ठीक होकर जा चुके हैं। तो इस समय हम देखा जाए तो एक्टिव केस 171 मथुरा जनपद में है। देखिए, इस समय मथुरा में जो आज तक की स्थिति है जो मैं बता रहा हूँ आपको, करीब 180 केसेस हमारे एक्टिव हैं, जिसमें से ओमिक्रॉन अभी किसी में भी पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि ओमिक्रॉन की पुष्टि के लिए हम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उनका सैंपल भेजा जाता है, वहाँ से रिपोर्ट जब प्राप्त होती है तभी हम बता पाएंगे कि जो वायरस है वो डेल्टा है या ओमिक्रॉन है या कोई और वेरिएंट है। तो उस तरह की रिपोर्ट हमें कोई प्राप्त नहीं हुई है, हम जीनोम सीक्वेंसिंग के लगातार सैंपल भेज रहे हैं, लैब से सैंपल भेजे जाते हैं, लेकिन अभी तक ओमिक्रॉन कन्फर्म केस जो है मथुरा में नहीं है कोई। रायबरेली में डलमो क्षेत्र के किसान इंटर कॉलेज में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक शिक्षक ने छात्रा को अच्छे नंबर से पास कराने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद छात्रा ने इसकी शिकायत डलमो पुलिस से की, जहां 30 दिसंबर को छात्रा की तहरीर पर कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन शिकायत के बाद भी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। पूरे मामले को लेकर जानकारी दी जा रही है कि आरोपी शिक्षक स्कूल के प्रबंधक का बेटा है और छात्रा के अच्छे नंबर देने के बहाने उस छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था। बाद में जब पीड़िता के परिजन उसे पेट में दर्द होने पर अस्पताल ले गए तो उसके 5 महीने के गर्भवती होने की बात सामने आई। वहीं अब इस मामले के आरोपी पीड़ित जान से मारने की धमकी दे रहा है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने आश्वासन के तौर पर केस दर्ज कर लिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चलिए अब आपको पीड़िता का एक वायरल ऑडियो भी सुनवाते हैं। तो हम अब तो चक्कर में चारों तरफ से फंस गए, अब हम क्या करें? क्या हुआ बताओ? क्या बताएं, वहाँ अल्ट्रासाउंड कराने सब कुछ गए थे तो 5 महीने के बताया। चुपचाप अपने हिसाब से काम कर लो। अपने हिसाब से क्या, यहाँ ससुराल में बोल रहे हैं कि जिसका है बस उसे घर पे रहो जाके, अब कहाँ जाए, हमारे घर वाले भी बोल रहे हम वो भी कोई नहीं ले, किसी का जिक्र ही ना करो, कहे तो दोबारा जांच कराओ, यहाँ बड़े डॉक्टर के यहाँ तुम जांच कराओ, हम बता देते हैं। कौन अलका त्रिपाठी है? अलका त्रिपाठी, अलका त्रिपाठी, अलका त्रिपाठी। हाँ, कहाँ पे? यही जेल रोड पे रहते हैं। कहाँ पे? लेडीज
जेल रोड पे, जेल रोड पे, जेल रोड पे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में कल गए थे तो यहाँ पे खून भी जांच की, सब कुछ जांच की, तो बताए कि 5 महीने से। अरे वो गलत रिपोर्ट भी हो सकती है, यहाँ पहले डॉक्टर से जांच कराओ, ठीक है ना। रिपोर्ट कोई सही थोड़ा हो सकती है, अपने हिसाब से देख लो, जांच इलाज इलाज करवा लो अपना। नहीं तो सर पता, पेट भी जाहिर दे रहा ना उसी टाइप का। तो तुमको जब ये सारी समस्याएं थी तो तुमको अपना देखना चाहिए था, क्या बता। चलो देख लो अपने हिसाब से, जैसे भी मैनेज कर लो। जो करोगे आप ही करोगे, नहीं तो हम कहां करेंगे, हम कहां जाएं फिर। अरे जहां हो वहीं रहो, यहां पे कैसे, हमारे यहां पे ठिकाना थोड़ी ना। अरे रहेगा क्यों, ठिकाना नहीं रहेगा यहाँ पे, ना हमारे हस्बैंड रहने देंगे ना हमारे सासू जी, कोई भी नहीं रहने दे रहे। पता है जब से पता चला इन लोग कल जांच कराने ले गए थे सबको, तो कुछ दिन के लिए अपने गांव चले आओ। तो कुछ दिन के लिए चले जाएंगे, उसके बाद हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना। तो सर आप आएंगे, आप अपने कहाँ, हमारे यहाँ ससुराल, वहाँ से कब नहीं आए, तो हम आए फिर कहाँ, स्कूल और कहाँ, क्या करने, क्या करने आएंगे हम, ये समस्या लेके कहाँ जाएं, कहाँ पे हमारे ठिकाना है। हमें मम्मी पापा भी कल आए थे, वो भी कल दोनों लोग चले गए, वो यहाँ पे समस्या में छोड़ के हमको गए कि चाहे मार डालो चाहे काट डालो, और यहाँ वाले इस तरह बर्ताव कर रहे हैं कि हमको कहीं पे भी रहने नहीं दे रहा है। चलो अभी तुम वही चुपचाप रहो, जरा सांस वो ना लो, जरा परेशान ना, हर कमरे रहो वही रहो, हर कमरे में लगा के रखे हैं, बाहर बैठे हैं। चलो ठीक, अपने हिसाब से देख लो, अपने हिसाब से आप क्या देखें, जो देखना था देख लीजिए। नहीं हम बताओ हमको क्या करना, हम क्या करेंगे उसमें भाई, आपका मामला है, आप उसको देखो तो हमको जो भी हमारी मदद, अच्छे जगह पे अपने यहाँ जगह दो, या तो फिर हमको अच्छे जगह पे शादी कराओ हमारी अच्छे से। अब हम क्या बोले, यहाँ पे तो गुजारा है नहीं अब। चलो अभी वही चुपचाप रहो, जैसा भी हो ऐसा बताना, अपना देखा जाएगा। बस हम लोग सलाह ही दे सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, क्या कर नहीं सकते, बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ बिगड़ चुका है। चलो ठीक है, इतना रखो देखा जाएगा। चलो देख लो फिर बात, अभी तो रास्ते में स्कूल पहुंच रहे हैं ना, जैसा भी हो बताना। हाँ ठीक है, लेकिन फोन कर देना इससे तुम खुद। ठीक हाँ ठीक। हम स्कूल जा रहे थे तो स्कूल में ऐसा मामला हुआ कि हम स्कूल जाते थे रिजल्ट के लिए, हमेशा जाते थे, पढ़ाई कर चुके थे हाई स्कूल से, पढ़ाई वहाँ पे 9th से पढ़ाई कर रही थी, तो हाई स्कूल का रिजल्ट भी नहीं दे रहे थे हमारा, तो हाई स्कूल का रिजल्ट नहीं, बोले कि स्कूल आओगी तभी देंगे, और कर दे गए थे हाई स्कूल का रिजल्ट, फर्स्ट ईयर में दिया, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अभी दिए थे बाद में इंटर में जब आए, तो उसके बाद ये सब हमारे साथ शोषण करते रहे। संतोष कुमार यादव, ये उन्हीं के स्कूल है, किसान इंटर कॉलेज वडरवा, अच्छा। उन्हीं के स्कूल है, और बुला बुला के बोले, धमकी भी दे रहे थे कि अगर तो स्कूल नहीं आओगी तो सबको तुम्हारी ही बेइज्जती होगी, इसीलिए हम स्कूल जा रहे थे, और ये सब करने के लिए यही सब करते थे हम सब। अगर जो बोले कि अगर अपने घर पे बताओगी तो मारने की धमकी देते थे कि तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुम्हारे घर वालों को सबको हम मार देंगे, इसीलिए इसी डर के वजह से हम कभी किसी से शिकायत ही नहीं किए, और छुपा के रख के जब हमारी शादी हुई तो हमें ससुराल वालों को पता चला, तो ससुराल वाले चेकअप किए, इसका पूरा प्रूफ है हमारे पास, तो हमने उनसे डर के मारे सच्चाई बता दी, हम बोले संतोष कुमार के स्कूल में जाते थे, ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। रायबरेली में सलून कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत दुबहन गांव में ग्राम प्रधान के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है। करीब 200 से ज्यादा महिलाएं और पुरुषों ने ग्राम प्रधान के उत्पीड़न से परेशान होकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान अनावश्यक सरकारी कोटे के संचालक को रोज नए तरीके से प्रताड़ित करते हैं। इसी से नाराज होकर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पुरुषों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ जिलाधिकारी को संबोधित किया और ग्राम प्रधान पर उचित कानूनी की कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? जी आलोक मिश्रा। कहाँ से आए हैं और क्या है मामला? ये दुबहन ग्राम सभा से आए हैं, ये रायबरेली जनपद में पड़ता है, सलोन तहसील में। क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे अखिलेश मिश्रा है हमारे गांव के कोटेदार, जिनके यहाँ सस्ते गल्ले की दुकान है राशन की, सरकारी
दुकान है जहाँ पे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य होता है, जो कि मैं पिछले 25 वर्षों से देख रहा हूँ ये सुचारू रूप से संपन्न होता था। अभी पिछले 4-6 महीने से ये लगातार कोई ना कोई विवाद आए दिन वितरण प्रणाली के समय उत्पन्न होता रहता है, जिसमें मारपीट, गाली गलौज, धक्का मुक्की, बिना लाइन के राशन ले लेना, ये सारी प्रक्रियाएं होती रहती है। राम दुबहन, विकास खंड सलोन, जिला रायबरेली से। सर क्या है मामला? सर हमारे गांव में ग्राम सभा दुबहन में उचित दर्द की दुकान है, जिसके जो है कोटेदार अखिलेश मिश्र है। वो आज तक जो है वितरण उनका बहुत अच्छा चलता रहा है और सबको समय के अनुरूप जो नियमानुसार राशन आता है सबको मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ के प्रधान कमलेश वर्मा जब से 6 महीने से जीते हुए हैं, वो पूरी तरह से गांव में गुंडई का एक माहौल बना दिए हैं। वो आए दिन किसी न किसी को परेशान करते हैं, मारते पीटते हैं और उसी चीज़ में ये कोटे की दुकान पर आके ये हंगामा कर रहे हैं। ये अपने आदमियों को भेज देते हैं, कहते हैं फिंगर मत लगवाइए और जो है उनको राशन दे दीजिए। जब कोटेदार के द्वारा मना किया जाता है तो ये गाली गलौज और जो है मारपीट करने पर आ जाते हैं। ग्राम सभा दुबहन सलोन तहसील में पड़ती है, यहाँ पे कोटेदार के पक्ष में ये लोग आए थे कि उनको सही राशन वितरण होता है। कल कुछ लोग आए थे जो उनका विरोध कर रहे थे, तो इसकी निष्पक्ष जांच हुई थी, जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया। खबर संभल से है, जहां थाना असमोली मंसूरपुर माफी चौकी इंचार्ज को मुखबिर की सूचना पर गौ तस्कर गैंग का पता चला, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जब गौ तस्करों को पकड़ने की कोशिश की तो गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जबकि पुलिस की हवाई फायरिंग में गौ तस्कर के पैर में गोली लग गई और पुलिस ने 3 गौ तस्करों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। थाना असमोली में ये मंसूरपुर माफी चौकी क्षेत्र में गौ तस्करों के साथ अभी सुबह पुलिस की मुठभेड़ हुई है। यहाँ पर हम लोगों की रात में हम लोग पेट्रोलिंग लगा रहे हैं, जिससे कि कोई लोग गौ तस्करी ना कर सकें। आज सुबह ये कासिम, मोहसिन और चांद, ये 3 लड़के ये बछड़े के साथ में यहाँ पर पकड़े गए। इनको जब घेरने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में इनमें से जो चांद है उसके पैर में गोली लगी है, उसको उपचार के लिए भेज दिया गया है। बाकी दोनों भी मौके पर गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से एक मोटरसाइकिल, 3 अवैध शस्त्र, कुछ कारतूस और एक बछड़ा बरामद हुआ है। इस बछड़े को गौशाला भेजा जा रहा है, साथ में अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इनके आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। चांद का आपराधिक इतिहास पता चला है, ये सैद नगली का रहने वाला है और वहीं से इसका आपराधिक इतिहास है। बाकी दोनों जनपद संभल के निवासी हैं, उनकी भी आपराधिक। खबर सोनभद्र से है, जहां भारतीय मजदूर संघ ने अरहंत नगर मेटोरियल गेट पर लगातार दूसरे दिन आगामी मांगों को नहीं पूरा होने पर काला झंडा दिखाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान यूनियन के अध्यक्ष राकेश राय ने बताया कि प्रबंधक के रुख को देखते हुए अब ये लड़ाई लंबी चलेगी, अब प्रबंधक को एक न एक दिन भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय नेतृत्व में बात करनी ही पड़ेगी। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।